इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इसके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। हेलो गाइस, दिस इज आतिफ रमानी। सो जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया है अपनी कुछ प्रोडक्ट्स को, अनबॉक्सर के कैनन को और सैमसंग की एयर वायरलेस को, सो अब मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ एक हमारा 55 इंच का फुल HD स्मार्ट TV जो कि TCL ब्रांड का है। आई होप कि आपको लास्ट वाली वीडियोज़ भी पसंद आई होंगी। अगर आपने वो लास्ट वाली वीडियोज़ मेरी नहीं देखी हैं तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा और ऊपर थंबनेल भी आपको लेफ्ट राइट पर मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, उन रिव्यूज़ को प्रोडक्ट को अनबॉक्सिंग करके देख सकते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना TCL 55 इंच फुल HD स्मार्ट TV। रियली आई एम सो एक्साइटेड, दिस इज वेरी ह्यूज TV और सी आई कैन नॉट ग्रैब इन माई वन हैंड दिस वन सी। तो लेट्स स्टार्टेड, हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बॉक्स के ऊपर का रिव्यू करते हैं। तो इसका जैसा कि ब्रांड लिखा हुआ है TCL और 1 ईयर वारंटी के साथ है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाउ अवेलेबल इंडिया एंड फिलीपींस, बोथ कंट्रीज के अंदर ये अवेलेबल है। और यहाँ पर मार्केट 55 इंच का फुल LG स्मार्ट LCD और यहाँ पर नीचे अगर आप देखें तो कुछ इसके अंदर बिल्डिंग फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि गो लाइव मूवीज़ के जो ऑप्शन रहते हैं, जहाँ पर आप क्लिक करके जाकर एप्लीकेशन में वहाँ कुछ आपकी वीडियोस रहती हैं, कुछ चैनल्स रहते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, वो आप उनको देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ नीचे आपको दिया हुआ है यूट्यूब डायरेक्टली आप उसको बाई रिमोट क्लिक आप इसको चला सकते हैं। स्मार्ट TV इसीलिए कहते हैं कि ये सारे एप्लीकेशन जो इनके अंदर मौजूद रहती है। उसके बाद यहाँ पर वायरलेस, सबसे बड़ी बात वायरलेस बिल्टन है इसके। आई थिंक इसमें RJ45 का कनेक्टर की भी कनेक्टिविटी जो है वो भी अवेलेबल होगी कनेक्टर, और उसकी आजकल तो वायर वगैरह तो कोई यूज़ नहीं करता है, लेकिन वायरलेस के साथ भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें ब्राउज़र भी है, आप वेब ब्राउज़र के थ्रू कुछ भी सर्चिंग इंटरनेट वगैरह यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। दैन सोशल एप्लीकेशन है डायरेक्टली अपने व्हाट्सएप IMO काइंड की जो सोशल एप्लीकेशन है फेसबुक, उनको एक्सेस कर सकते हैं। देन उसके बाद इसका वायरलेस डिस्प्ले है, यानी कि वायरलेस डिस्प्ले तो आपको जैसे कि अंडरस्टैंड होगा कि अगर अपने मोबाइल पर कोई भी वीडियो को प्ले करते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू और वायरलेस डिस्प्ले के थ्रू आप वही चीज़ को एक बड़ी LCD एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर उसको आप देख सकते हैं। देन उसके बाद DTV के कुछ ये ऑप्शन इसके अंदर मेंशन है, जैसे कि अगर इसके साइड में मैं आपको दिखा सकूँ तो ये साइड के अंदर कुछ बार कोड वगैरह हैं, आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पर बार कोड इसके सारे हैं, यहाँ LED के मॉडल नंबर ये वो सब लिखे हुए हैं। LED 55 मॉडल है D2940 का, और ये भी जैसे कि मैंने दुबई से ही परचेज किया तो इसकी वर्थ जो है वो 1450 dirhams है। तो आई थिंक नॉर्मल रेंज के अंदर गुड एक चीज़ है, अच्छी चीज़ है। आपका इसका कलर अच्छे हैं, इसके पिक्सल्स अच्छे हैं, फुल HD है। लेट्स सी, हम इसको अब ये अनबॉक्स करते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा प्रोडक्ट है कि मैं इसको अकेला तो अनबॉक्स नहीं कर पाऊँगा, इसके लिए मुझे राय जी बातें साथ में मेरे भाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं उनको कॉल करूँगा जब हम इसको अनबॉक्स करने लगेंगे। उससे पहले इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर टॉप पर ही देखा जाए तो कुछ इस तरीके से की इसकी अनबॉक्सिंग है, अनबॉक्सिंग इस तरीके से है कुछ। अब यहाँ पर अगर देखो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रिमोट दिया हुआ है, ठीक है, रिमोट और दो बैटरी सेल्स हैं और रिमोट पर ही सारे फंक्शन हैं आपके स्मार्ट TV यूट्यूब वगैरह के, जैसा कि आप यहाँ देखें तो इसमें सारे फंक्शन आपको यहाँ पर रिमोट में दिए गए। देन अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर और क्या प्रोडक्ट हैं इसके अंदर, कुछ मैनुअल्स वगैरह हैं इसके, और यहाँ पर कुछ पावर केबल्स है। और बड़ी बात है जो जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में बताया कि इस तरह की पावर केबल्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिनमें फ्यूज सिस्टम और आपकी प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए रहती हैं ये। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्या आइटम है इसमें। यहाँ पर टॉप पर ही कुछ आप देखें कुछ रैपर पैक में है, और ये इसके स्टैंड हैं, यानी कि आप अगर इसको दीवार पर वॉल पर हैंग नहीं करना चाहते हैं तो उसके अलावा आप इसको स्टैंड के थ्रू कहीं पर भी किसी टेबल के ऊपर आप इसको इजीली खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ये दो स्टैंड्स हैं इसके, जैसे कि आप प्रोडक्ट देखें तो कुछ इसके स्टैंड्स के स्क्रू वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं। तो जैसा कि मैं ये सारे आइटम जो है यहाँ पर यहीं बॉटम पर रख देता हूँ ताकि आपको नज़र आते रहें। जैसा कि अब मैं इसके प्रोडक्ट
जैसा कि हम इसको अब करने लगे हैं अनबॉक्स। पूरी बात है थर्मल कोट के लिए बड़े अच्छे इसकी पैकेजिंग रहती है, ताकि क्योंकि बड़ा आपको पता है एलसीडी बड़ी थिन होती है और बड़ी सेंसिटिव होती है, तो इसके लिए इसकी सेफ्टी कवर करना लाती है। अगर बॉक्स आपका कहीं आगे पीछे हो जाता है और कहीं मतलब गिर जाता है जैसे कुछ भी एलसीडी को, यानी कि टूटने से स्क्रैच आने से थर्मल आपको बचाते हैं। तो काम मैं आपको डिक्स दिखा देता हूँ उसकी पैकेजिंग के अंदर से किस तरीके से पैक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बड़े सेफ्टी किस्म का इन्होंने ऊपर थर्मल था और यहाँ पर फिर ये एलसीडी के अगले हिस्से पे इस तरीके से कवर करके लगाया हुआ है, ठीक है। कुछ ये इस तरीके से फिर इसको फुली कवर इन्होंने एलसीडी को किया और रियली इस इज़ वेरी थिन यार। तो चलें अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करने के लिए मैं अपने बड़े भाई को ज़रा कॉल करूँगा, प्लीज़ हेल्प मी। चलिए जी, थैंक यू सो मच माय ब्रदर। So be very very carefully, because oh my god, this is really 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 huge, really really huge, oh my god. तो चलिए अब बॉक्स का काम तो ख़त्म इंशाल्लाह। अब हम आपको बॉक्स को रखते हैं ज़रा साइड में, आपको हम दिखाते हैं इसको अनबॉक्स करके। चलिए थैंक यू सो मच भाई, अब हम इसको ज़रा हटाते हैं, निकालते हैं इसको। Oh my god, oh my gosh, this is really 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 big. Oh my god, now I can easily clean this one, but hey, इतना heavy नहीं है, light है थोड़ा सा। अगर हम बात करें इसके weight की, तो जितने के तो पुराने LCDs के weight थे वो काफ़ी जो है heavy होते थे। तो अब हम इसको यहाँ से मूव करके आपको दिखा देते हैं इसका। ये देखिए जैसा कि इसमें आपको जैसा बॉक्स में मेंशन था सेम वैसे स्टिकर्स लगे हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्टिकर कवरिंग है, स्टिकर वगैरह सारे इसकी पैकिंग लगी हुई है, स्क्रैच से बचने के लिए TCL स्मार्ट यू GTV वायरलेस BB2 का फंक्शन है। तो अगर आप इसकी देखना चाहें थिकनेस, तो रियली रियली थिकनेस वेरी वेरी गुड, बहुत ही यानी कि टाइट थिकनेस है इसकी। तो इसके कुछ पीछे फंक्शन है उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। तो फिलहाल के लिए अभी मैं आपको इसको बैक साइड से शो करता हूँ, फ्रंट व्यू तो मैंने आपको दिखा दिया, हम इसको थोड़ा सा बैक साइड से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसलिए मुझे एक स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आप देख सकें, देखते चले जाएँ यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट के बारे में। फिर उसके पीछे जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक अदद लेन पोर्ट दी गई है कि जो अगर आप वायरलेस के थ्रू इसको ना कनेक्ट कर सकें, तो डायरेक्टली आप अपने राउटर से केबल कनेक्ट करके इस टीवी को आप बाय इंटरनेट आप इसको प्ले कर सकते हैं। देन उसके बाद वीजीए आउटपुट केबल आपको दिया गया कि अगर यहाँ से अगर आपको वीजीए का केबल लगा लगा करके उसके थ्रू भी आप किसी दूसरी जगह पर दूसरे डिवाइस को इसका आउटपुट ले सकते हैं। या आपके सारे स्पीकर सिस्टम्स हैं लेफ्ट राइट और मल्टीपल स्पीकर और वीडियो उसके आपके ये फंक्शन हैं, तो यहाँ पर आप जिस तरीके से वीडियोज़ वगैरह कोई डिवाइसेज जिस तरीके से आपके DVDs होती हैं और इस तरह की चीज़ें आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब इसके जो है हम मेन फंक्शन के ऊपर आ जाते हैं कि इस तरफ अगर आप देखें तो इस तरफ यहाँ पर आपको पावर प्लग नज़र आएगा, तो यहाँ आप इजीली पावर कर सकते हैं अपनी डिवाइस को ऑन ऑफ करने के लिए। तो अब हम अगर बात करें इसकी कि आया ये फुल HDMI सिस्टम्स के साथ है, तो यहाँ पर अगर आप मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सकें, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर रिसीवर्स की या आपकी जो भी डिश से जो केबल आ गई हो यहाँ हमें कर सकते हैं। उसके अलावा आजकल तो आपको पता है HDMI का दौर है यहाँ पर, तो HDMI के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। तो अगर कोई डिवाइसेज आपके आउटसाइड करिए जिसका PSP प्ले स्टेशन वगैरह या आपके रिसीवर या डिश वगैरह हो, यहाँ HDMI इसके अंदर 1, 2, 3 पोर्ट्स आपको दी गई हैं। ऑक्स का सिस्टम दिया गया, जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था सैमसंग का मेरा वायरलेस ईयर साउंड सिस्टम, तो वो जो है वो आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर दूसरा आपको एक पोर्ट और दी हुई है, वो वहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा TCL 55 इंच का। और अगर आप देखना चाहें इसके स्पीकर सिस्टम और पावर सिस्टम, तो वो अगर आप देखें तो ये बॉटम के ऊपर आपको स्पीकर भी दिखा रहे हैं और नीचे पावर सिस्टम जिसके जो बटन्स हैं वहाँ से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
तो गाइस थैंक यू सो मच, ये था हमारे प्रोडक्ट, काफ़ी हैवी और टाइम लिया इसलिए थोड़ा ब्रीफ मेरा आपको रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ यू विल लाइक दिस वीडियो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, प्रेस माई बेल आइकन बटन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।